नमस्कार, एसबीटी न्यूज स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश गोयल। इनसे हम जानेंगे हड्डियों और जोड़ों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। डॉक्टर साहब, एसबीटी न्यूज में आप हार्दिक स्वागत, अभिवादन। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मानव शरीर में हड्डियों के महत्व के बारे में आप हमें कुछ बताएं। हड्डियों का महत्व उसी तरह से है जैसे एक बिल्डिंग में अपने सरिया और वो डालते हैं फाउंडेशन के टॉप में होता है, उसके इर्द गिर्द बाकी मकान जैसे बनता है, शरीर बनता है। ऐसे हड्डियां जो हैं शरीर के विशेष अंगों को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे हार्ट के ऊपर अपने चेस्ट की हड्डियां होती है ये प्रोटेक्ट करती हैं, इसी तरह से अपने स्पाइनल कॉर्ड होती है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का भी काम करती है और इसके इर्द गिर्द बाकी संरचना भी बनती है। मतलब मानव संरचना का बेसिक जो ढांचा है वो हड्डियों से ही है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सामान्य खान पान कैसा रहना चाहिए? जैसे सब्जियां हैं, फल फ्रूट, हरी सब्जियां, फल फ्रूट और दूध का सेवन ज्यादा करें। दूध में सबसे अच्छी कैल्शियम की मात्रा होती है, दूध, ड्राई फ्रूट्स, चीज, सोयाबीन, इन चीजों में कैल्शियम होता है। और दूसरों हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विटामिन डी। विटामिन डी वैसे डाइट में बहुत ज्यादा नहीं होता, विटामिन डी मेनली अपने को धूप से मिलता है या नॉन वेज डाइट से। धूप में जाना बहुत जरूरी है, आदमी को कम से कम 1 घंटे धूप शरीर को लगनी चाहिए। और शरीर का मतलब कपड़े पहने हुए, मैंने कपड़े उतरे हुए होने चाहिए, जैसे शॉर्ट है, फेस पे है, जैसे आजकल लोग फेस के ऊपर बांध के चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे धूप नहीं लगती। सर्दियों में जैसे लोग बिल्कुल ही नहीं निकलते, बच्चों को नहीं निकालते, उससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है विटामिन डी की वजह से। आधुनिक जीवन शैली जिस तरीके की आज हम और आप सब जी रहे हैं, इसमें हड्डियों का अगर हम ध्यान रखें या हड्डियों की सुरक्षा की या प्रोटेक्शन की बात की जाए, तो उसके लिए बेसिक आप क्या देना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे विचार से कम 1/2 किलो दूध आदमी को रोजाना लेना चाहिए, वेजिटेरियन डाइट में 1/2 किलो दूध, जैसे चीज है, सोयाबीन है, इस तरह की डाइट लें और धूप में जरूर जाए। खासतौर से आज के युग में एसी रूम में से निकले, एसी कार में बैठ गए, धूप कहीं लगती नहीं, धूप लगनी बहुत जरूरी है। किस उम्र में क्या आहार व्यक्ति ले, विशेषकर बच्चे या बुजुर्ग? रूटीन जो बैलेंस डाइट है उसमें कैल्शियम काफी मात्रा में होता है, लेकिन जैसे पोस्ट मेनोपॉजल आफ्टर 45 लेडीज या बुजुर्ग आदमी है उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत है। नॉर्मल आदमी को नियर अबाउट 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, तो दूध में 1 गिलास में 200 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम होता है। ऐसे ही सब किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो आफ्टर मेनोपॉज लेडीज को या प्रेगनेंसी में उनको कैल्शियम की एक गोली लेनी, तो वो सप्लीमेंट डाइट का काम करेगी, सप्लीमेंट डाइट का काम करेगी। हड्डियों का चटकना क्या होता है? आम भाषा में लोग चटकना हड्डियों का या इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये क्या चीज है और ये क्यों होता है? हड्डियों का चटकना या तो किसी बीमारी की वजह से, जिस आदमी के रिकेट्स हो गई, विटामिन डी का उसमें कमी से रिकेट्स हो गई, उसकी हड्डियां बहुत थोड़ा सा जोर लगने से टूटने का डर रहता है, या कोई और बीमारी है, कोई कैंसर फैल गया है, या ओल्ड एज में बहुत थोड़े से गिरने से या थोड़े से झटका लगने से टूट सकती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उससे बचाव के लिए ये कैल्शियम वगैरह अपने स्टार्टिंग से लेते रहे ठीक रहते हैं। और छोटा बच्चा, जैसे कि हम कह रहे हैं 5 साल तक के बच्चे फिसल गए हैं या खेलते वक्त गिर गए, उनकी हड्डियां टूटती नहीं, उनकी गिल्ली लकड़ियों की तरह हड्डियां होती है जिनके मुड़ जाती है, हल्का सा क्रैक उसमें आ जाता है, जिसको अपने ग्रीन स्टिक, जैसे हरी टहनी टूट जाती है उस तरीके से टूटती है। मांस फटना, हड्डी का टूटना, क्रैक होना या मोच आना, इन सब शब्दावली में बेसिक फर्क क्या है? देखो, एक होता है स्प्रेन, स्प्रेन अपने कहते हैं लिगामेंट जो होते हैं, जॉइंट्स को जो बाइंड करते हैं आपस में, उसको खिंच जाता है उसको अपने स्प्रेन कहते हैं। मांसपेशी खिंच जाती है उसको स्ट्रेन कहते हैं, जो अपने कहते हैं मांसपेशी खिंच गई उसको स्ट्रेन कहते हैं। मोच आना हमारी भाषा में कोई नहीं होता, आम भाषा में लोग कहते हैं मोच आना, ये अक्सर आम हमारे भाषा में हम सभी साइंटिफिक कोई मोच आना, कुछ थोड़ा बहुत जॉइंट सब लक्सेट हो जाता है,
उसको लोग कहते हैं कि शाने ने सेट कर दिया या वो टाइम से अपने आप सेट हो जाए, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, वो अपने आप स्वतः ही टाइम के साथ। स्ट्रेन या स्प्रेन या मोच आने जैसी समस्याओं के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपको चलने फिरने में आपको सावधानी तो बरतनी पड़ती है, और आप गिरोगे या वो होएगा, या जिसके लचीलापन नहीं होता बॉडी में उसी को ज्यादा स्ट्रेन या वो आती है। जिसमें लचीलापन होता है, जो व्यायाम करता है रूटीन में, उसको जल्दी से नहीं होता। मतलब आप योग की तरफ मोड़ेंगे फिर से एक बार? योग बहुत जरूरी है। हड्डियों के फ्रैक्चर या टूटने पर ऑपरेशन की नौबत कब आती है? क्योंकि बेसिक आम आदमी जो है उसे अभी तक ये चीज नहीं समझ आती, आप शायद साइंटिफिकली ज्यादा अच्छा बता पाए। देखो, हड्डी टूटने में हड्डी का बेसिक जुड़ना होता है, वो उसको हिलने से बंद करना होता है और अपनी लाइन में रखना होता है। तो लाइन में रखने के लिए आप बाहर से लाइन में रख के उसको प्लास्टर लगा दीजिए। अगर लाइन में प्लास्टर से नहीं, आपको कुछ जगह ऐसी होती है मांस ज्यादा होता है जॉइंट्स के पास, तो उसमें ऑपरेट करके स्टील की रोड या पत्तियां वगैरह डालते हैं। जब दो टूटे हुए पीस के बीच में मांस फंस जाता है, वो अपने लाइन में नहीं आ सकती, उसमें ऑपरेशन करते हैं। हड्डी में स्टील के रॉड या पेच किस स्थिति में, किस अवस्था में लगाए जाते हैं, और इनसे कोई साइड इफेक्ट मानव शरीर में होता है? हड्डियों में जो रॉड्स वगैरह लगाते हैं, एक भ्रांति ये रहती है कि ऑपरेशन होने के बाद हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। टाइम वही रहता है, अपने बाहर प्लास्टर लगा के उसको इमोबिलाइज कर रहे हैं या अंदर रोड या प्लेट लगा के इमोबिलाइज कर रहे हैं। उसका बेनिफिट थोड़ा सा ये होता है कि जॉइंट को अपने जल्दी मूव कर पाते हैं। दूसरी बात यह कि जो अच्छी रोड्स, अच्छी क्वालिटी की रोड्स और लगाई जाए, उससे कोई नुकसान नहीं होता, बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर हड्डी जुड़ गई है तो उसके बाद निकलवा देने चाहिए इम्प्लांट्स। वाकई में उनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? वैसे स्टील की लगती है ज्यादातर, और एक टाइटेनियम की होती है। स्टील वाली तो आजकल किसी भी चीज में एमआरआई वगैरह की बहुत जरूरत पड़ती है करवाने की, बहुत सारी बीमारियों में। तो स्टील की रॉड या पत्ती आपके अंदर है तो आप एमआरआई नहीं करवा सकते, थोड़ी निकाल ही देना चाहिए। टाइटेनियम के लिए कोई टाइम फिक्स है कि इतना ही टाइम? हड्डी जुड़ने के बाद कभी भी निकाल सकते, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कभी भी निकाल सकते। बेसिक हम ये देखते हैं कि मान लीजिए किसी हमारे घर में किसी मेंबर की या परिवार के किसी सदस्य की हड्डी टूट गई फिसलने से या गिरने से, तो उस दौरान हम आप तक पहुंचे या हॉस्पिटल तक पहुंचे उसमें कुछ समय लगता है, तो कुछ बेसिक ऐसे उपचार जो हम उन्हें उसी टाइम दे पाए प्राथमिक उपचार के रूप में? प्राथमिक उपचार के रूप में सबसे पहले तो उसका मूवमेंट नहीं करना चाहिए, उसको किसी न किसी तरह का स्प्लिंटेज देना चाहिए। घरेलू स्प्लिंटेज में जैसे आप यही कह सकते हो कि कोई गत्ता भी होता है उसको भी आप बांध के, या किसी ने पकड़ भी रखा है तो उसको बिना मूवमेंट किए हुए लेके जाएं। ये कोशिश नहीं करें कि टूट गया तो उसको खड़ा करें, उसको खड़ा करके ले जाएं। लोग कह देते हैं कि हिम्मत कर खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं करें। हाँ जी, ये तो बहुत देखने में हिम्मत नहीं करवाएंगे। क्या इसे किसी कपड़े में बांध देना या किसी पट्टी से लपेट देना, मान लीजिए हाथ पे लगा तो उसे पट्टी से बांध देना, ये सब चीजें उसके बजाय गले में एक पट्टी डाल के हाथ को उसमें रख लें, वो ज्यादा अच्छा है, उसका मूवमेंट नहीं होने देता। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज की आधुनिक जीवन शैली में क्या जो पोस्चर एक व्यक्ति रख रहा है, जिस पोस्चर में हम बैठ रहे हैं या जिस पोस्चर में हम सो रहे हैं या हम चल रहे हैं, क्या वो भी इस तरीके की रोग होने की संभावनाओं को पैदा करते हैं? जो आजकल फर्नीचर आता है, ज्यादातर अपने चेयर जो लेते हैं पीछे को जो झुक जाती है, आराम कुर्सी नहीं यूज करनी चाहिए। आदमी को स्ट्रेट बैठना चाहिए और टेबल के पास ज्यादा झुक के भी नहीं बैठना चाहिए, झुक के बैठने में भी आपको जल्दी थकावट आ जाती है और आपको दिक्कत होती है। स्ट्रेट बैठना चाहिए और आदमी को आधे घंटे एक घंटे से खड़ा होकर चाहे अपने रूम में एक चक्कर लगातार ना बैठे। और युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक आजकल युवाओं के लिए सबसे अच्छा संदेश यही है कि इंडोर गेम ना खेल के बाहर के गेम खेलें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे बीच थे हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश जी गोयल, इन्होंने हमसे बेसिक जानकारियां साझा की। आज युवाओं में जो बेसिक हड्डी से रिलेटेड समस्याएं जो आ रही हैं उनसे रिलेटेड हमने बात की डॉक्टर साहब से। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर साहब आपका, और अगली फिर कड़ी में हम मुलाकात करेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ।
तब तक आपका दिन शुभ।